good morning students how are you hope you are doing well in your home students in this video i am going to teach you chapter number 7 for 11th class that is structural organization in animals students in this video we will discuss about classification of animal tissue स्टूडेंट्स वॉट डू यू मीन बाय टिश्यू टिश्यू इज इज अ ऑर्गेनाइजिंग फॉर्म ऑफ सेल डैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन इनका कॉमन स्ट्रक्चर होता है और एनिमल टिश्यू में इसके फोर टाइप्स हैं वन इज एपिथीलियम टिश्यू सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू थर्ड मस्कुलर टिश्यू फोर्थ नर्वस टिश्यू नाउ वी डिस्कस अबाउट एपीथीलियम टिश्यू एपीथीलियम टिशू कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी हमारी बॉडी की पूरी जो कवरिंग है वो एपीथीलियम टिश्यू से होती है एंड द सेल्स आर अरेंज कंपेक्टली विथ वेरी लिटल एक्स्ट्रा सेलुलर मेटेरियल जो इनका मटेरियल है इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो इनका खुद का है और आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल यहाँ पे बहुत ही कम होता है ठीक है एंड द एडजेंट सेल आर लिंक्ड बाय थ्री टाइप ऑफ सेल जंक्शन जंक्शंस होते हैं जो एक दूसरे के कनेक्टिविटी को शो करते हैं तो यहाँ पे थ्री टाइप्स के जंक्शन हैं वन इज़ टाइट जंक्शन सेकेंड इज अडहेरिंग जंक्शन एंड थर्ड इज गैप जंक्शन टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप द सब्स्टांस फ्रॉम लिकिंग एक्रोसे टिश्यू इट मीन्स टाइट जंक्शन में क्या होगा कि लीकेज जो एक सेल का जो सब्सटांसेस है उसको लीक नहीं होने देता ठीक है अब ये कह रहे हैं ये तो सिंगल सेल के अंदर हो गया टाइट जंक्शन अब ये कह रहे हैं अडियर जंक्शन अडियर जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग अडियर जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टूगेदर जो साइड वाले सेल हैं उसके दो सेल्स के बीच में सीमेंटिंग सब्स्टांसेस की तरह एक्ट करता है इट मीन्स ये एक दूसरे के सेल्स के अंदर मटेरियल को पास आउट नहीं होने देता थर्ड है गैप जंक्शन फैसिलिएटेड द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाई कनेक्टिंग द साइटोप्लाज ऑफ एड ज्वाइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समाइम बिग मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट्स गैप जंक्शंस इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि जब सेल्स के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है और कम्युनिकेशन जो दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन मीन्स सेल्स को भी आयन्स की रिक्वायरमेंट होती है जैसे हमारे बॉडी के अंदर सोडियम पंप आयन एक्सचेंज होता है तो वो सब सेल्स के थ्रू होता है सेल्स में टिश्यू जंक्शन के थ्रू होता है और वो भी गैप जंक्शन के थ्रू होता है नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथीलियम टिश्यू Epithelium tissue have two types: one is simple epithelium tissue, second is compound epithelium. Simple epithelium divided into five types: one is squamous epithelium tissue, second cuboidal epithelium, third columnar and fourth ciliated epithelium, and last is glandular epithelium tissue. Compound epithelium have two types: one is terrified epithelium, second is transistor epithelium. Now we discuss about simple epithelium tissue simple epithelium tissue there is simple squamous epithelium these cells are thin flat and have irregular boundaries it forms the inner lining of alveoli blood vessels and the परोनियम ऑफ द बॉडी कैविटी मीन्स हमारी जो बॉडी कैविटी है जो हर सेल्स ऑर्गन को एक दूसरे से सेपरेट करती है वहाँ पर सिंपल एपिथिलियम टिश्यू आपको नजर आएगा इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजन बाउंड्री जैसे ब्लड है ब्लड के अंदर हमारी आर बी सी होती है आर बी सी का जो मेन फंक्शन है ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न करना ठीक है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल एपीथीलियम टिश्यू सिंपल एपीथीलियम टिश्यू में दिसन इज द सिंगल लेयर ऑफ दिस टिश्यू नाउ वी डिस्कस अबाउट सिंपल क्यूबोडियल एपीथीलियम टिश्यू द सेल्स अपीयर क्यूब क्यूबिकल इन वर्टिकल सेक्शन इनकी जो शेप होती है वो इस तरह से क्यूबॉयडल फॉर्म में होती है इट इज फाउंड इन स्मॉलर डट ऑफ स्लैवरी एंड पैंक्रियाज ग्लैंड एंड इन द थारॉयड वेसिकल्स

स्टमक की इनर सरफेस पे गाल ब्लेडर पर इंटस्टाइन गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटस्टाइनल ग्लैंड्स पर आपको कौन सा टिश्यू मिलेगा सिंपल कॉलिमनार एपिथीलियम टिश्यू आर प्रेजेंट ऑन दैट पार्ट्स